हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मोटिवेशन। तो आज का वीडियो होने वाला है होली व्लॉग। तो इसे मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, होली का, होली और आफ्टर होली के बाद की जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो। तो तीन पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो ये है होलिका के दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। हमारे यहाँ बेसन की कढ़ी नहीं बनती, हमारे यहाँ चने दाल की कढ़ी बनती है। चने दाल को एक दिन पहले मैंने फुला के रख दिया था। इसके बाद मैंने मिक्सी में इसे पीस लिया है। दो जगह मैंने अलग अलग पीसा है, एक जगह थोड़ा मोटा पकौड़ियों के लिए और एक जगह कढ़ी के लिए थोड़ा पतला। इसके घोल में मैंने डाला है हल्दी नमक, कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और तेल गरम हो जाने के बाद मैंने इसमें डाला था जीरा, मेथी और सूखा लाल मिर्च मैंने डाला था दो, और हींग डाला और था। इस घोल में मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मथनी से मथ देंगे और इसके बाद हम इस तेल में इसे छौंक देंगे। इसमें हम करी पत्ता भी डालते हैं। करी पत्ता हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें करी पत्ता नहीं डाला है। आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। इसके बाद दही को भी हम मथनी से मथ करके रख लेंगे साइड में। और दही हमें अभी स्टार्टिंग में नहीं डालनी है। पहले तो हम कढ़ी का जो घोल है इसे हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे इसे, और जब आधी कढ़ी पक जाएगी तब जा करके हम इसमें दही डालेंगे। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हैंग करने के लिए कुछ दिया नहीं रहता है, तो यहाँ पे मैंने एक रोप रस्सी छोटी सी इसमें बांध दी थी और अब इसे हम आराम से इसे हैंग कर सके रख सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिन्हें खोजने से भी नहीं मिलती हैं, तो इसे आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। और जो कढ़ी के पकौड़ी का जो घोल था उसमें मैंने डाला था हल्दी नमक और एक चम्मच साबुत जीरा हम इस पकौड़ी में डाल देंगे। साथ में हम कढ़ी को भी चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ कढ़ी जो है वो नीचे से चिपकने लगती है और फटने का भी डर रहता है। तो कढ़ी का जो पकौड़ी बनता है बहुत ही सिंपल बनता है। इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, बस हल्दी नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने डाला था और खड़ा जीरा इसमें डाल देना है। और अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के छोटे छोटे इसकी पकौड़ियाँ बना के इसे तल लूँगी। इसकी जो पकौड़ियाँ बनती हैं बहुत छोटी छोटी सी बनती हैं। आप चाहे तो इसी में आप दो तीन प्याज भी कट करके, हरी मिर्च कट करके डाल के वो वाली पकौड़ी बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसन वाली कढ़ी भी मैं बनाती हूँ, पर मेरे यहाँ अधिकतर मेरे ससुराल में ये चने दाल की ही कढ़ी बनती है। तो यहाँ पकौड़ियाँ मैंने तल ली थी। कुछ पकौड़ियाँ मैं ऐसे ही निकाल दूंगी खाने के लिए और कुछ मैं इसमें कढ़ी में डाल दूंगी। तो कढ़ी में मैंने ये पकौड़ियाँ डाल के इसके बाद मैंने इसे तड़का लगा दिया था। और ये थी मेरी होलिका के लंच की थाली, जिसका शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा। इसके बाद मैं आ गई थी होली की तैयारी के लिए। तो मैंने यहाँ सारे कुशन कवर को निकाल लिया था धुलने के लिए, क्योंकि ये दिवाली में ही लास्ट टाइम वॉश हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप चेन वाली कोई भी चीज़ को वॉश करें वॉशिंग मशीन में, तो उसका चेन बंद करके ही वॉश करें, इससे चेन ख़राब नहीं होता। और यहाँ होली के लिए पिचकारी और बैलून्स भी आ चुके थे बच्चों के लिए। और मैंने आपको जब दीवान हमारा बन रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें क्या रखूँगी, ये ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। हमारे वार्डरोब में दो स्लॉट जो थे वो पूरे बेडशीट वगैरह रखे हुए थे, तो उन्हें मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे कि वहाँ वार्डरोब भी खाली हो जाएगा कपड़े रखने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अगर आप चीज़ों को रखते हैं तो वो आपको विजिबल भी होता है, दिखता भी रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो जितने भी कैरी बैग के यूज़ मैंने आपको बताए थे, उस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, पर्दे वगैरह जो भी कुछ थे, एक्सेसरीज जो होते हैं लॉन्ड्रीज के, तो उसे मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख दिया था। इस तरीके से आप भी कैरी बैग का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं उन्हें, और फटाफट से आपका आपके जो कपड़े होते हैं, लिनन वगैरह होते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और नेक्स्ट मैंने होली की तैयारी, होलिका के ही दिन होली के लिए
यहाँ इमली की चटनी के लिए मैंने इमली को साफ़ सुथरा करके एक पानी धो करके फुलाने को रख दिया था, रात में फूल चुका है। और उड़द को भी मैंने फुला लिया था, फिर मैंने इमली को साफ़ सुथरा करके छन्नी से छान करके इसका पल्प निकाल लिया था। और यहाँ मैंने उड़द को दो भाग में डिवाइड किया है, आधी कचौड़ियों के लिए आधे दही बड़ा के लिए, तो यहाँ मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और यहाँ मैं दही बड़ा के लिए जीरा भून रही थी जीरा पाउडर बनाने के लिए, और साथ में यहाँ गुड़ को भी मैं घुला रही हूँ इमली की चटनी के लिए। हमें गुड़ भी चाहिए होता है, तो आधी इमली जितनी रहेगी उसका हमें उससे थोड़ा सा अधिक गुड़ हमें लेना होता है। और यहाँ पे गुड़ को मैं पानी थोड़े से पानी में पिघला लूँगी, और जो मैंने इमली का पल्प निकाला है उसी में मैं ये गुड़ को भी पिघला के डाल दूँगी। कचौड़ियों के लिए मैंने तेल में जीरा डाला है, तेज़पत्ता, हींग डाल करके, और ये जो मैंने पीस के रखा था आधा कचौड़ियों के लिए उड़द, तो उड़द को भी मैं इसमें डाल करके इसे तड़का लगा के इसे मैं डाल दूंगी इसे भूनने के लिए। तो यहाँ देखिए उड़द को मैं उड़द जब मैं पीस रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक भी पीस लिया था साथ में। तो यहाँ पे मैं जो भी घोल जितने का भी मुझे बनाना है कचौड़ी वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। इसके बाद मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, चाट मसाला हमें थोड़ा अधिक डालना है, और थोड़ा सा ऐड करेंगे काला नमक। इसके बाद मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला था और गोल मिर्च का पाउडर डालना है, और इसे तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल भुरभुरा सा ना हो जाए, इसमें बहुत टाइम जाता है। और जब ये आधा भून जाए तब इसमें शुद्ध घी डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे बहुत देर तक धीमे आंच पे अच्छे से भूनना है भुरभुरा हो जाने तक। इसके बाद मैदे में अजवाइन, मंगरैल, नमक, मोइन डाल करके तैयार कर लेना है, और इसके बाद इसे उसमें फिल करके आप कचौड़ियाँ छान सकते हैं। ये देखिए इमली के पल्प को मैंने यहाँ स्टेनर में स्टेन करके निकाल लिया है, इससे जो भी गंदगी होती है वो सब निकल जाती है। और इसी में मैं इसमें ये गुड़ को भी छान दूंगी। इसके बाद गैस पे चढ़ा करके इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद शुद्ध घी में आप धनिया सौंफ और थोड़ा सा मेथी दाना डाल करके भून लें, और उसे पीस करके इस चटनी में डाल दें। दही बड़ा के लिए बस हमें इसमें अदरक क्रश करके डालना है, गोल मिर्च और नमक डाल के हम कढ़ाई में इसे तल लेंगे दही बड़ा को। साथ में मैंने साइड में पानी रखा है, पानी में थोड़ा सा दही डालेंगे 2-4 चम्मच, और जीरा पाउडर और नमक डाल के एक घोल तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब दही बड़ा छानते हैं तो छानने के बाद हमें उसे इंस्टेंट ही पानी में डालना होता है, अदरवाइज वो कड़ा हो जाता है। और दही बड़ा छानने के लिए आप हाथों में पानी लगा लें, इससे वो चिपकता नहीं है। और इस तरीके से आप हाथ पे थोड़ा सा फैला करके ही आप इसे छाने, जिससे कि ये कड़ा नहीं होता, बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट दही बड़ा बनके तैयार होता है। और सरसों के तेल में जब छानते हैं तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं इसे थोड़ा सा पतला करके चौड़े में करके इसे छान रही हूँ, हाथों में पानी लगा करके थोड़ा सा फैला करके, बिल्कुल गोल गोल पकौड़ियों जैसे हमें नहीं बनाना है। और जैसे ही ये छन जाए उसे तुरंत पानी में आप डाल दीजिए। तो सारे दही बड़ा को मैंने इसी तरीके से छान के पानी में डाल दिया था, जितने भी बड़ा थे। और इसके बाद एक आप घोल तैयार कर लीजिए दही का, और इसके निकाल करके आप इसे दही में डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ से मैं इसमें से निकाल रही थी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, और इसके बाद दही में मैं डाल रही थी इसे। और इस तरीके से करके आप रख दीजिए, फिर जब भी गेस्ट आए तो उन्हें आप जीरा और लाल मिर्च पाउडर, काला नमक डाल के ऊपर से जितना भी डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं और दे सकते हैं गेस्ट को। और ये देखिए यहाँ पे कचौड़ियाँ भी मैं छान रही हूँ। कचौड़ी का भराव आपने देखा होगा कितना भुरभुरा हो गया है। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है, और ये चटनी देखिए बनके तैयार हो गई है। इसमें ऊपर से मैंने खजूर और किशमिश डाला था, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक भी पड़ेगा इसमें। और यहाँ मैं बना रही थी पड़ुकिया, गुजिया जिसको बोलते हैं,
तो मेरे पास कोई साँचा नहीं था तो मैं ऐसे ही बना रही थी। ये देखिए पानी लगा के हमें इसे चिपका लेना है अच्छी तरीके से, जिससे कि ये फटे ना। और दो तरीके का डिज़ाइन मैंने बनाया थे, अपने हाथों से ही बनाए थे। ये देखिए इस तरीके से अंगूठे से आप बस कट लगा के बस फोल्ड कर देना था। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इस तरीके से भी गुजिया बना सकते हैं। और गुजिया का जो भराव था उसमें मैंने बेसन को भून लिया था शुद्ध घी में अच्छे से, और उसका डबल मैंने उसमें खोआ डाला था, और इलायची पाउडर चीनी पीस के मैंने डाला था, और जो भी मेवे डालना है वो डाल सकते हैं आप। और अब देखिए ये है होली के दिन का ब्लॉग। तो होली के दिन मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी। कई बार मैंने इसका रेसिपी आप अपने शॉर्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर की है। और ये पुआ मैंने बनाया था, ये देखिए गुजिया भी बन गया था, और यहाँ पे इमली की चटनी और ये कचौड़ियाँ भी बनके तैयार हो गई थी। तो हमने होली में खूब इंजॉय किया। होली की थाली की रेसिपी मैंने शॉर्ट में डाली है, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद गेस्ट के जाने के बाद सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और जितने भी मेरे क्रॉकरीज वगैरह निकले थे उन्हें धोने के लिए मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लूँ। और इस पर मैंने एक बेडशीट बिछा दिया था, और बेडशीट बिछा देने से आपके जितने भी क्रॉकरीज वगैरह हैं वो चटकते भी नहीं है और वो पानी भी सोख लेता है। तो ये देखिए किचन का हाल कितना बुरा हो रखा है। एक तो वैसे भी छोटा सा किचन है मेरा, और ऊपर से इतना कुछ फैल गया है, तीज त्यौहार में ऐसा ही होता है। और जितने भी मेरे ये शीशे वाले कांच के जितने भी क्रॉकरीज वगैरह हैं इन्हें मैं पहले धो के निकाल लूँगी, इसे फूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट लगा ले रही हूँ, और इसके बाद अब जितने भी यहाँ पे क्रॉकरीज हैं मेरे उन सबको मैं वॉश करके हटा लूँगी। तो इसे आप बहुत ही संभल करके धोए। तो सारे क्रॉकरीज को मैंने थोड़े थोड़े करके पानी में रख दिए थे, जिससे ये थोड़ा सा भीग जाए अच्छे से और इसका जो भी स्टेन वगैरह है वो निकल जाए अच्छे से। तो यहाँ देखिए ये सारे क्रॉकरीज को मैंने धोने के बाद उसे पलट के उल्टा करके रख दिया है, जिससे कि जो भी पानी है वो निकल जाए। और इसके बाद इस थोड़ी देर जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं इसे सीधा कर दूंगी और फ़ैन ऑन कर दूंगी, जिससे कि ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इसके बाद ये मेरा क्रॉकरी यूनिट है, इसी में मैं इसे डेकोरेट करके अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। इसका अलग सेपरेट वीडियो भी मैंने शेयर किया था क्रॉकरी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, जिसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके बाद जितने भी चेयर सोफ़ा हैं उन सबको मैं ब्रशेस से अच्छे से इसका डस्टिंग वगैरह कर लूंगी। सोफ़ा क्लीनिंग का भी मैंने वीडियो शेयर किया है अपने चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा कि सोफ़े पे स्टेन वगैरह को कैसे हटाते हैं, होली के कलर वगैरह कैसे छुड़ाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।